दोस्तों गदर 2 मूवी में ना एक सूट ड्रोन से लिया जाता है जिसमें ये पूरा कॉलेज ना ऊपर से दिखाया जाता है और सभी जितने भी आर्मी रहती है पाकिस्तान की वो सभी वहाँ पर बैठे रहते हैं। मनीष बाजवा जो विलेन रहते हैं मेन और काजी रहते हैं वो यहाँ से उनको सजा सुनाते हैं और पूछते हैं तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बता दो। तो फिर यहाँ से सनी देओल उतरते हैं, सारे पाकिस्तानी रहते हैं यहाँ खड़े रहते हैं, फिर सनी देओल इसी सीढ़ियों के रास्ते से उतरते हैं और कहते हैं बेटा बाप से मिलना चाहेगा। तो और ये मैच करा सकते हैं, बगल में स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पीछे के 1 2 3 4 5 6 ये जो नीचे के गेट हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गदर 2 के एक नए शूटिंग लोकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने गदर 2 मूवी देखा ही होगा, उसमें जो पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर बना रहता है ना, अभी उसी जगह पर हम मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ पर कई सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शूट हुए हैं गदर 2 के। आप लोगों ने एक सीन देखा होगा जब सनी देओल जी के बेटे को यानी जीते को पाकिस्तान की आर्मी पकड़ के लाती है और फांसी देने की मांग होती है, वो सीन भी यहीं पर दर्शाया गया है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के मैच करा दूंगा। और जब उनसे जो मनीष बाजवा रहते हैं उसमें मेन विलेन, और वो पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो सनी देओल आते हैं और कहते हैं बेटा बाप से मिलना चाहेगा, तो वो सीन भी ना यहीं पर दर्शाया गया है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के सब कुछ टोटल मैच कराऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। क्योंकि ना हमारे पीछे आप लोग जो ये कॉलेज देख रहे हैं ये पड़ता है ना लखनऊ शहर के ला मार्टिनियर कॉलेज में, और यहीं पर पूरा आर्मी का हेडक्वार्टर बना दिया गया था। किस तरह से सीन को दर्शाया गया था मैं बारी बारी से मैच करा के आपको अच्छे से दिखाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों गदर 2 मूवी में ना एक सूट ड्रोन से लिया जाता है जिसमें ये पूरा कॉलेज ना ऊपर से दिखाया जाता है, और उसमें ना जब ये ड्रोन सूट लिया जाता है तो मैं आपको बगल में स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ मैच करा सकते हैं। तो उसमें ना ये गुंबद भी दिखाया जाता है, कौन सा, ये वाला जो आपको सामने ये गुंबद दिख रहा है इसको भी उसमें दिखाया गया है, और इसको ड्रोन सूट उधर से ऊपर से लिया जाता है और ये कॉलेज पूरा ऊपर से दिखाई देता है। और दोस्तों एक सीन यहाँ पर दर्शाया गया है जब सनी देओल जी के बेटे जीते को आर्मी पकड़ी रहती है पाकिस्तानी, और वो उनको फांसी लगाने की मांग करते हैं, तो वहीं पर ला के उनको मारा जाता है और उनको वहीं पर रखा जाता है। जब पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, और सभी जितने भी आर्मी रहती है पाकिस्तान की वो सभी वहां पर बैठे रहते हैं, और जो काजी होते हैं वो भी भाषण वहीं पर खड़े होकर देते हैं। अभी मैं ये सीन भी आपको मैच करा के दिखाऊंगा, फिलहाल यहाँ का सीन आप लोग मैच करके देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी भीड़ लगी रहती है और यहीं पर सनी देओल के बेटे जीते को लोग बांध के रखे रहते हैं कड़ियों में, यहीं पर वो सीन यहीं का है। आप लोग इन सीढ़ियों को भी मैच करा सकते हैं, वहाँ पर कुछ तंबू वगैरह डाला रहता है और ये सीढ़ी भी उसमें दिखाया गया है। तो गदर 2 की कुछ शूटिंग लोकेशन यहाँ से भी ली गई है, नीचे से जब मतलब पाकिस्तानी आर्मी आती है पूरी गाड़ियाँ, तो वो जब जीते को घेर लेते हैं तो यहाँ से कुछ सीन दिखाया गया है। उनकी जीप दिख रही है और साइड साइड में पुलिस की गाड़ियाँ दिख रही हैं, और साइड साइड में आर्मी के लोग दिख रहे हैं, और इस कॉलेज को भी बीच में दिखाया गया है। वो सीन ना ऐसे नीचे से शूट किया गया है जैसे मैं आपको शूट करके दिखा रहा हूँ, और साइड में आप लोग स्क्रीनशॉट भी मैच करा के देख सकते हैं। दोस्तों जब पाकिस्तानी आर्मी सनी देओल के बेटे जीतो को पकड़ के यहाँ पर रखते हैं, और मनीष बाजवा जो विलेन रहते हैं मेन और काजी रहते हैं वो यहाँ से उनको सजा सुनाते हैं और पूछते हैं तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बता दो। तो फिर यहाँ से सनी देओल उतरते हैं, सारे पाकिस्तानी रहते हैं यहाँ खड़े रहते हैं, फिर सनी देओल इसी सीढ़ियों के रास्ते से उतरते हैं और कहते हैं बेटा बाप से मिलना चाहेगा। तो यही सीढ़ी है और सनी देओल यहीं से आते हैं, वो सीन यहीं का दर्शाया गया है। और ये सीन भी आप लोग मैच करा सकते हैं जब सनी देओल आ जाते हैं अपने बेटे जीते को छुड़ाने के लिए, और जब वो लड़ाई यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी आर्मी से, तो उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी के जीप पर ना बम फेंक देते हैं। तो वो जब बम फूटता है तो ये दोनों पिलर जो है छोटे छोटे ये भी उसमें दिखाई दिए हैं, लोग मैच करा सकते हैं। तो यहाँ पुलिस की गाड़ी पूरा ना बम से फूट जाती है और उसमें जितने भी पुलिस वाले रहते हैं सब उछल के गिरने लगते हैं। तो ये सीन यहीं पर दर्शाया गया है, ये दोनों गुंबद नीचे वाले दिख रहे हैं और ये बड़ा वाला गुंबद आधा आपको दिख रहा होगा, तो यहीं पर उस गाड़ी पर ब्लास्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये आप लोग जो जगह देख रहे हैं यही पाकिस्तान का आर्मी का मेन हेडक्वार्टर रहता है। ये जगह आप लोग देखिए, इधर लिखा है LMC ला मार्टिनियर कॉलेज, और चलिए मैं उस जगह को आपको दिखाता हूँ जहाँ पे वो तोपें रखी गई हैं और जहाँ पर मनीष बाधवा जो मेन आर्मी के हेड रहते हैं पाकिस्तान के वो यहीं पर खड़े रहते हैं,
और ये सीन भी आप लोग मैच करा सकते हैं, अभी मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर तोपे लगी हुई हैं और जो मनीष बाधवा हैं वो यहाँ पर बैठे रहते हैं अपने परिवार के साथ, बेटे के साथ, और जो काजी रहते हैं वो इधर बैठे रहते हैं, इधर पूरा ये लोग बैठे रहते हैं और नीचे आर्मी खड़ी रहती है। और एक सीन इधर से लिया जाता है जब सनी देओल सीढ़ियों से उतरते हैं तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उनको देखने लगते हैं, और यहाँ पर जनरल लोग बैठे रहते हैं जो खड़े होकर सनी देओल को देखने लगते हैं। जब वो यहाँ पर बैठे रहते हैं वो सीन दर्शाया जाता है, तो पीछे के ये जो छोटे छोटे गेट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये आप उसमें मैच करा सकते हैं, और साइड के ये जो गेट हैं बगल के ये और ये वाले, ये भी उसमें आप लोग मैच करा सकते हैं, नीचे के पूरा उसमें दिखाई दे रहे हैं। एक सीन इधर का भी लिया गया है, जो मनीष बाधवा हेड रहते हैं आर्मी के, वो यहाँ पर चेयर लगा के सभी लोग बैठे रहते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पे, यहाँ पे, और ये मैच करा सकते हैं, बगल में स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पीछे के 1 2 3 4 5 6 ये जो नीचे के गेट हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप लोग मैच करा लीजिए स्क्रीनशॉट में। तो ये यही जगह होती है जहाँ पे वो शूट किया जाता है, वो सारा सीन यहीं पर सभी पाकिस्तानी आर्मी बैठे रहते हैं। और दोस्तों उसमें जो इस्लाम के जो मेन रहते हैं काजी जी, उनसे जब पूछा जाता है, वो जब स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं उनको फांसी के लिए, तो यहीं पर खड़े होकर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट में मैच करा सकते हैं, पीछे का ये पूरा नज़ारा ऊपर का दिखाई देता है, ये जो बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा है, और बगल में तोप भी यहाँ पर दिखाई देती है, और काजी जी एकदम जस्ट इसी जगह पे खड़े होके स्पीच देते हैं, और जिसमें ये बिल्डिंग का पूरा पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है और बगल में तोप भी दिखाई दे रही है, इसी जगह पे वो खड़े रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हम आते हैं और यहाँ पर देखिए 3 तोपें रखी हुई हैं, और काफ़ी यहाँ का नज़ारा जो है वो काफ़ी अच्छा नज़ारा है भाई। और ये कॉलेज को पूरा का पूरा आर्मी का हेडक्वार्टर बना दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो भाई तोप रखी हुई है, यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ भी है, और ये तोप देखो, ये भाई कब की है, 1856 की बनी है ये। एक सीन यहाँ पर भी लिया जाता है जब जीते को पाकिस्तानी आर्मी पकड़ के लाती है, तो इसी जगह पर सीढ़ियों के नीचे खड़ी करती है और सामने मनीष बाजवा बैठे रहते हैं और चारों तरफ से आर्मी वाले उनको घेरे रहते हैं। इसी जगह पर जीते को पाकिस्तानी आर्मी मारती है, इन सीढ़ियों को आप लोग मैच करा सकते हैं स्क्रीनशॉट को। इसी गाड़ी से जीते को जेल से लाया जाता है, जो गाड़ी सामने खड़ी है, यहीं पर सामने तोप रखी रहती है जहाँ पर जीते को बांध कर रखा जाता है और उसे फांसी लगाने की मांग की जाती है, इसी को पूरा आर्मी का हेडक्वार्टर बना दिया गया था। और एक सीन नीचे से शूट किया जाता है जब आर्मी वाले जीते को दोबारा पकड़ के लाते हैं और उनको खूब ज़्यादा मारते हैं, और एक सीन यहाँ पर भी शूट किया जाता है ऊपर से, जो बगल वाला तोप है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, और सामने पूरा ना यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम खड़ी रहती है और वो फांसी फांसी की मांग करती है, तो वो सीन ना ऊपर से शूट किया गया है। और एक सीन सामने का भी लिया जाता है जहाँ पे पाकिस्तान की पूरी जनता बैठी रहती है, जो आप लोग सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, और बगल में जो हरी हरी घासें, वहाँ पर पूरा पाकिस्तान की जनता खड़ी रहती है। गाइस जब जीते दूसरी बार पकड़ा जाता है, पाकिस्तान आर्मी पकड़ती है, तो कुछ इस तरह से शूट लिया जाता है और ये पूरी बिल्डिंग उसमें दिखाई गई है, स्क्रीनशॉट में आप लोग आराम से मैच करा के देख सकते हैं। और एक सीन यहाँ से शूट किया जाता है जब जीते को फिर से मनीष बाधवा पकड़ लेते हैं, तो फिर सनी देओल मनीष बाधवा के छोटे बेटे को पकड़ लेते हैं, उनकी गर्दन मरोड़ने के लिए जाते हैं, तो मनीष बाधवा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, तो ये सीन सीधा इसके सामने से शूट किया गया है। दोस्तों कुछ सीन यहाँ पर शूट किए गए हैं जब सनी देओल के बेटे जीते को पाकिस्तानी आर्मी लाती है, तो उसी गेट से लाती है, और यहाँ किनारे किनारे पूरे आर्मी वाले खड़े रहते हैं, किनारे पाकिस्तान वाले खड़े रहते हैं, तो वो जो सीन शूट किया गया है यहीं पर शूट किया गया है, आप लोग बगल में इस बिल्डिंग को भी मैच करा सकते हैं, और यहाँ से वो उनको उधर लेके जाते हैं। दोस्तों इसी को पाकिस्तान का पूरा आर्मी का हेडक्वार्टर बना दिया गया था, फिलहाल ये लखनऊ का ला मार्टिनियर कॉलेज है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।